पंजाब में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मतदान का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राज्य में सियासत और तेज हो गई है। खासकर पंजाब की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह अभी तक पूरी तरह शांत नहीं हो पाई है, जो बार बार सामने आती रहती है। उसी कड़ी में अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अपने बागी तेवर के जरिए पार्टी की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब में इस वक्त हलचल मची हुई है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुके हैं और सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी राज्य की सत्ता में वापसी के लिए पूरी जी जान लगा रही है। लेकिन पार्टी के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुश्किल बने हुए हैं, जिससे पंजाब में कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं। अपने बागी तेवर से सिद्धू पार्टी के अंदर चल रही कलह को समय समय पर दर्शाते रहते हैं। अब एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने बागी तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यहां कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। दरअसल दावा ये किया जाता है कि सिद्धू खुद को सीएम कैंडिडेट नहीं बनाए जाने से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि वे बार बार अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। उसी कड़ी में अपनी पार्टी पर तंज कसते हुए सिद्धू ने कहा है कि कांग्रेस को चुनाव में कोई नहीं हरा सकता, सिर्फ कांग्रेस ही खुद को हरा सकती है। इसके अलावा सिद्धू ने अपनी पार्टी के स्टैंड को दोहराते हुए संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस एकजुटता दिखाती है तो पंजाब में उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पंजाब की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, यानी उनके इस जवाब से साफ है कि वो खुद को सीएम का दावेदार मानते हैं। लेकिन आलाकमान ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए घोषणा की है कि वो सीएम फेस के नाम का ऐलान नहीं करेगी। लेकिन इसके बाद अभिनेता सोनू सूद का वीडियो आया था, जिससे संकेत थे कि सीएम के तौर पर कांग्रेस की पसंद चरणजीत सिंह चन्नी ही है, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ चन्नी का जिक्र था, सिद्धू का नहीं। ऐसे में सिद्धू की पार्टी के खिलाफ नाराजगी बढ़ना लाजमी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।